हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे, संडे मतलब कि आज रेस्ट का दिन, आराम का दिन। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे संडे ही मिलता है आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने का, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ मेरा पालक दाल की रेसिपी। तो उसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, लहसुन, ओके, ये सब मैंने रेडी करके रख लिया है। और पालक को जो है मैंने पहले कट कर लिया और फिर उसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया 3-4 बार, और उसके बाद में मैंने उसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसे छोड़ दिया, ताकि उसके अंदर जो भी यानी गंदगी है या कुछ कीड़े वगैरह हो, वो सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, निकल जाए। तो ये देखिए, ये पालक अब अच्छी तरह से धुल गया है, साफ़ हो चुका है। और कुकर में मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो वो कम से कम 2 सीटी जब यानी हो जाएगा तो मैं उसे उतार लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल पका हुआ दाल है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है यानी कि पक गया है, ओके। और मैंने जो पैन है यानी कि कढ़ाई है, मैंने गैस पे रख दिया है और इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। और अब इसके बाद इसमें मैंने ये डाल दिया राई, फिर इसमें मैं ये डाल रही हूँ ज़ीरा, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी हींग। और राई चटक जाने के बाद उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया कुछ कड़ी पत्ते, और फिर इसमें मैंने ये डाल दिया कुछ लहसुन। तो लहसुन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, कुछ 3-4 है वो मैंने डाल दिया। और ये इसमें मैंने डाल दिया कटा हुआ प्याज, और प्याज के बाद इसमें मैंने इसमें मैं डालूँगी मिर्ची जो मैंने कट करके रखा हुआ था। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यानी कि थोड़ा सा चला लूँगी, ताकि जो प्याज है वो यानी हल्का सा, जैसे हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डाल देने के बाद मैं इसे भी थोड़ा सा अच्छी तरह से यानी मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा यानी जो टमाटर है वो हल्का सा यानी सिक जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिया पालक जो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था, तो ये पालक को मैंने डाल दिया। पालक डाल लेने के बाद इसे भी मैं अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर दूंगी। पालक डाल लेने के बाद इसे मैंने देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि पालक ने ये पानी इतना छोड़ दिया है। इसमें मैं इसमें अभी थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, ताकि जो पालक है ना वो थोड़ा पक जाए। इसको मैंने नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और इसके बाद में मैं इसे ढक करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 2 मिनट, 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद ये मैंने देखिए थाली को हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पालक जो है वो काफ़ी पक चुका है, और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी बॉईल किया हुआ दाल, और इन सबको मैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बाउल पानी। तो पानी हम इतना डालेंगे कि दाल जो है बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो, तो वो हिसाब से हम पानी डालेंगे। और अब इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब मैंने डाल दिया है, और एक ये सांभर मसाला था मेरे घर का बना हुआ, ये भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया। और इसमें मैं नमक डाल दूंगी, पहले मैंने नमक थोड़ा सा डाला हुआ था तो वो हिसाब से नमक मैंने डाल दिया। और अब इसमें मैंने ये डाल दिया गुड़, ताकि बहुत हल्का सा एक स्वीटनेस आए। और ये इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा नींबू, 1 फुल नींबू इसमें मैंने डाला है, तो नींबू छोटा ही था तो वो इसमें मैंने पूरा डाल दिया, ताकि थोड़ा सा यानी
खट्टापन भी लगे स्वाद में। और तो बस ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं 5-7 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी ताकि जो हमारा पानी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। दाल जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसके बाद बस हमारा जो दाल है वो बनके तैयार हो चुका है। चाहे इसे आप रोटी, पराठा या राइस के साथ खाएं। खाने के टाइम आप इसमें 1 चम्मच घी ज़रूर डालें, इससे जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।